Hey guys, welcome back to my channel and if you new to my channel then my name is Priti and guys आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी my morning routine when I have college. Yes, जब भी मेरा कॉलेज होता है तो मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ. तो अभी बज गया है 7:30 सुबह का एंड मेरा अलार्म बज गया एंड जैसे ही अलार्म बजता है मैं उठने का ट्राई करती हूँ, लाइक कम्बल वम्बल फेंक देती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो उठने का मन नहीं करता, तो जितना सोऊंगी उतना आलस लगते रहेगा. सो इसीलिए मैं फटाफट से कम्बल को लाइक फेंक के मैं उठ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ के खुद को नींद से बाहर लाती हूँ सो दैट मेरा माइंड अभी लाइक पूरा प्रॉपर वर्क करे. एंड थोड़ा सा बेड में ही बैठ के मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स कर लेती हूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये सब मैं पहले बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी, बट जैसे ये 2022 आया है ना तब से मैंने ये सारा कुछ मॉर्निंग में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया सो दैट मेरा एक गुड हैबिट बना रहे इन सब के प्रति. सो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने लगी हूँ एंड फिर मैं थोड़ा सा अपने पाम को रब करके अपने आइस में लगाती हूँ. ये बहुत ही अच्छा लाइक मेथड है, आपको सुबह ऐसा करना चाहिए, आपके आइस के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड मैं आजकल भगवान को प्रे भी करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ देने के लिए एंड लाइक जो कुछ भी मेरे लाइफ में है आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो मैं उसी के लिए थैंक यू बोलती हूँ. एंड जैसे ही मैं लाइक बेड से उतरती भी नहीं हूँ, वहाँ पे साइड में मेरी मम्मी वार्म वाटर रख देती है तो वो मैं धीरे धीरे करके पीती हूँ बिकॉज सुबह को मतलब ब्रश किए बिना वाटर इंटेक करना बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए. तो मैं थोड़ा सा फ़ोन चला के मतलब पानी पीती हूँ. सो उसके बाद में मैं अपना बेड वेट को लाइक समेट लेती हूँ अच्छे से, जितना कुछ भी लाइक कमल वमल को पटा लेती हूँ अच्छे से सो दैट मेरा रूम मैनेजेबल रहे एंड क्लीन रहे. गाइस सच को तो घर के काम भी करना चाहिए लोगों को बिकॉज हम हमेशा अपने घर पे नहीं होते या फिर हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते. तो अगर अभी से हम लोग हैबिट नहीं करेंगे तो बाद में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. यही सोच के मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ. सो मैं अपने बेड को अच्छे से मिला के फिर मैं अपना फ़ोन जो है उसे चार्ज में देती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. फिर मैं जाती हूँ वॉशरूम में एंड वॉशरूम से आते वक्त मैं झाड़ू लेके आती हूँ एंड अच्छे से अपने रूम को क्लीन करती हूँ झाड़ू से. एंड अभी तो मेरी भाभी नहीं थी इसीलिए मैंने किया, अदरवाइज मेरी भाभी भी कर देती है. फिर गाइस मैं शू पहन लेती हूँ क्योंकि एवरी मॉर्निंग मैं 500 स्किपिंग्स करती हूँ एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेती हूँ अपने बॉडी को बिकॉज़ क्या बताऊँ आपको मेरा दुख भरी कहानी, मेरा हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा ही रह गया एंड मुझे उसे बढ़ाना है. आई एम 5'2" बट आई वॉन्ट लाइक 5'5". मुझे ऐसा हाइट बहुत पसंद है तो मुझे थोड़ा सा हाइट चाहिए तो उसके लिए. एंड 500 स्किपिंग्स करने के बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स करती हूँ एंड ऐसे ही मेरा मॉर्निंग ख़त्म हो जाता है. फिर मैं ब्रश लेके आती हूँ एंड मैं ब्रश करते करते बाहर पे थोड़ा बहुत देखती हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं. अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए सो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊँगी उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ. तो जल्दी से मैं नहा के आ रही हूँ, बाय बाय. सो गाइस मैं नहा के आ गई, अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, आप लोग देख सकते हो. तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को यू नो टाई कर लूँगी बिकॉज मैंने अभी अपने हेयर को वॉश नहीं किया. जिस दिन भी कॉलेज होता है उसी दिन मैं सुबह हेयर वॉश नहीं करती हूँ. तो अभी मैंने अपने बॉडी पे डिओड्रेंट लगा लिया निविया का, उसके बाद मैं करूँगी अपना स्किन केयर. तो उसी के लिए मैंने यूज़ किया है ये आलमंड ऑयल, दिस इज़ अ फेशियल ऑयल एंड इसे मैं अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मॉइस्चराइज़र एंड देन मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन. बट सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन गाइज. इफ़ यू आर बॉय और गर्ल और यू आर अ ओल्ड वुमन और यू आर अ चाइल्ड, हम सबको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ. एंड गाइस सनस्क्रीन सिर्फ आपको अपने फेस पे नहीं, अपने हैंड्स पे एंड अपने जितने भी एक्सपोज एरिया है उन सब में अप्लाई करना चाहिए बिकॉज उससे हमारे बॉडी सन से प्रोटेक्टेड रहता है. एंड देन मैं अभी अप्लाई करूँगी लिप बाम अपने लिप्स पे एंड माय स्किन केयर इज़ कंप्लीट नाउ. आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा स्किन कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड, सॉफ्ट एंड सप्पल लग रहा है. सो अभी मैं जाके किचन से अपना ब्रेकफास्ट लेके आई. वैसे तो मेरे घर में रोटी सब्जी बनता है बट आज मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ऑफिस के लिए एंड मेरी भाभी भी नहीं थी तो इसीलिए मैंने लाइक मैगी खाया एंड मैं थोड़ा सा फ़ोन देख के ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके मैं खा लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। लोग ट्राई करें कि मैगी अवॉइड करें मॉर्निंग में खाना, बट आज मुझे लेट हो रहा था तो मैंने खा लिया। तो अभी मैंने अपना लाइक कॉलेज का ड्रेस सब प्रेस कर लिया एंड प्रेस करके मैं अपना बैग में अपना जो बुक्स है वो डाल रही हूँ एंड मैं जल्दी से रेडी होके आप लोग के साथ आ रही हूँ, रुको। सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई एंड अभी मैं जाऊँगी कॉलेज, अपना बैग ले लिया एंड लास्ट में मैं एक बार मिरर देखती हूँ कि मैं लाइक जा सकती हूँ कि नहीं, एम आई लुकिंग गुड और नॉट, यही सोच के। तो मैं थोड़ा सा हेयर वेयर लाइक इधर उधर करके अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं फ़ोन देख देख के कॉलेज जाती हूँ एंड एक्चुअली मैं चल के जाती हूँ, बहुत दूर है लेकिन मुझे सुबह में चलना पसंद है तो थोड़ा सा मैं चल के कॉलेज चली जाती हूँ। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।